थोड़ा पढ़ लिख लेते तो शायद इस तरह की गलतियां ना करते। विपक्ष का काम आप करने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका सपना जरूर पूरे होगा। पिछले 10 साल से जिस मुकाम पर पहुंचने की प्रधानमंत्री जी रिहर्सल कर रहे हैं, विपक्ष में बैठने की अच्छी रिहर्सल कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका ये सपना इस चुनाव में पूरा हो जाएगा। मैं ये इसलिए कहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री मुंह खोलते हैं नेहरू जी की निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, राहुल गांधी की निंदा करते हैं। अरे साहब, सत्ता में आप हो, अब जिम्मेदारी आपकी काम करने की थी। निंदा करने का काम विपक्ष का होता है। आप विपक्ष का काम आप करने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका सपना जरूर पूरे होगा, जरूर होगा। 2024 के इस चुनाव में प्रधानमंत्री विपक्ष में बैठेंगे। नेहरू जी का जो अपनापन इस देश के साथ था और इस देश के मन में जो अपनापन नेहरू जी के लिए था, वो एक पिता तुल्य बात करते थे। अपने बच्चों को जैसे समझाया जाता है, इतनी हिम्मत इस प्रधानमंत्री की कभी हो नहीं सकती, क्योंकि वो अपनेपन का रिश्ता है ही नहीं। ये देश के राजा जरूर हो सकते हैं, ये दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इतने छोटे दिल का आदमी कभी दिलों पर राज नहीं कर सकता। सुबह से शाम तक जो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकता और हमारी निंदा करता है, जनता भी समझती है काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी। कर्पूरी ठाकुर साहब जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार को किसने गिराया? जनसंघ ने गिराया। क्यों गिराया? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर मुंगेरीलाल कमीशन को लागू कर रहे थे। मुंगेरीलाल कमीशन क्या थी? मुंगेरीलाल कमीशन वो थी जो ओबीसीज को आरक्षण देने की बात करती थी। मुंगेरीलाल कौन थे? कांग्रेस के विधायक थे। प्रधानमंत्री को इतिहास का तो खैर ज्ञान मैं उम्मीद करता भी नहीं हूं कि होगा, थोड़ा पढ़ लिख लेते तो शायद इस तरह की गलतियां ना करते। इस देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो रजिस्टर्ड तक नहीं है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए पहले आरएसएस को रजिस्टर करवाने की हिम्मत दिखाएं और उसके पूरे अकाउंट बुक सबके सामने रखें, मेंबरशिप बुक सबके सामने रखें, फिर किसी और बॉडी की बात करें। इस देश में 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड, ये उनका काम है। इस देश में हर एक घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। इस देश में हर एक घंटे में 1 किसान आत्महत्या कर रहा है, ये उनका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पूछना चाहते हैं? आइए चर्चा कीजिए।